कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, लोकतंत्र को बचाने की शुरुआत हो चुकी है, इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। भाई हुण बेचारे आने नींदा उठ गया खट्टर सरकार दियां, भाई बिच सरसार दे गल्ला हुंदियां केजरीवाल दियां। अपनी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गाँव के अंदर इस तरीके से चुनाव का लड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है बीच में से चुनाव छोड़ के भागे। दिल्ली सरकार किसान को अन्नदाता समझती है, हरियाणा सरकार किसान पे गोली चलवाती है। नई सोच की सरकार है, नई पीढ़ी की सरकार है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों की सरकार है और यहाँ पे बुजुर्ग हो गई सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा राजनीतिक हत्या की एक नई शुरुआत यहाँ पे कर दी है। परिवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के चेयरमैन, उन परिवारों ने इनकी हत्या कराई है। हमारी मांग है कि हाईकोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी के अंदर सीबीआई इसकी जांच करे ताकि न्याय मिले और हरियाणा के अंदर ये राजनीतिक हत्या का सिलसिला और आगे ना बढ़े। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਥਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਲਤੇ ਚਲਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਥਾ ਕੈਥਲ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਔਰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ, ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਤੇ ਹੈਂ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, लोकतंत्र को बचाने की शुरुआत हो चुकी है, इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज जिस तरीके से अपराध सिर पे चढ़ के बोल रहा है, दिन दहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं, गोलियां गले लूट के फिरौती मांगी जा रही हैं। आज ना शिक्षा के स्कूल बंद होते जा रहे हैं, शिक्षा के मंदिर बंद होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल नए खुल नहीं रहे हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत है। पंजाब और दिल्ली की तरह 24 घंटे फ्री बिजली और पानी देने की जरूरत है, अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है, अच्छी चिकित्सा देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, जो पलायन हो रहा है यहाँ से, उद्योग का, व्यापारियों का पलायन हो रहा है, उनको सुरक्षा की अनुभूति करानी जरूरत है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी कोई व्यापारी बोलता है, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाती है, वो भयमुक्त वातावरण बनाने की जरूरत है। और उसके लिए ये टीम इंडिया का गठबंधन हुआ, कुरुक्षेत्र लोकसभा से इसकी शुरुआत हो चुकी। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गाँव के अंदर इस तरीके से चुनाव का लड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है बीच में से चुनाव छोड़ के भाग जाए। तो सर, दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार में फर्क क्या देखते हैं, क्या फर्क समझाएंगे जनता को? दिल्ली सरकार किसान को अन्नदाता समझती है, हरियाणा सरकार किसान पे गोली चलवाती है। दिल्ली सरकार उनकी सेवा करती है, ये उनके ऊपर डंडे बरसाती है। दिल्ली सरकार वर्ल्ड के बेहतरीन स्कूल और कॉलेज बनाती है, हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करके चिराग योजना चलाती है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ो। दिल्ली सरकार हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाती है, पंजाब सरकार भी, और हरियाणा सरकार वर्तमान हॉस्पिटलों में भी डॉक्टर और दवाइयों को प्रबंध करने में असमर्थ है, नए खोलने की बात खत्म है। दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार 24 घंटे बिजली देती है, फ्री बिजली देती है, जनरेटर और इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। हरियाणा सरकार 5-5 साल तक ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं देती, बिजली के लंबे लंबे कट लगते हैं और महंगे महंगे बिल आते हैं। दिल्ली और पंजाब के अंदर 80% घरों में बिजली का बिल जीरो आता है, उसके बाद भी पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रॉफिट कमाता है और ये घाटे में चलते हैं और सबसे महंगी बिजली देते हैं। तो बहुत फर्क है, एक नई सोच की सरकार है, नई पीढ़ी की सरकार है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों की सरकार है और यहाँ पे बुजुर्ग हो गई सरकार, ये भ्रष्टाचार में डूब गई सरकार, ये अपराधियों के संरक्षण स्थली बन गई सरकार, ये इस सरकार को किसानों की हत्यारी बन गई सरकार, ये इस सरकार को बदलने की जरूरत है। नवशेंद्र राठी हत्याकांड को कैसे देखते हैं सर, जिन्होंने पहले सुरक्षा मांगी गई थी लेकिन उनको सुरक्षा नहीं? इस प्रदेश के अंदर
व्यापारियों से फिरौती मांगी जाती थी, व्यापारियों की गोली चलाई जाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा राजनीतिक हत्या की एक नई शुरुआत यहाँ पे कर दी है। परिवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के चेयरमैन, उन परिवारों ने इनकी हत्या कराई है। हमारी मांग है कि हाईकोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी के अंदर सीबीआई इसकी जांच करे ताकि न्याय मिले और हरियाणा के अंदर ये राजनीतिक हत्या का सिलसिला और आगे ना बढ़े।